बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक किस समय खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के ये बैठक जो कि चंडीगढ़ में हो रही थी, ये बैठक फिलहाल समाप्त हुई है। पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई जो कि अब समाप्त हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट के जो लिस्ट हैं उस पर चर्चा इस बैठक के अंदर की गई है, लेकिन बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा कांग्रेस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी जहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, और इसमें पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था जो कि अब फिलहाल समाप्त हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी है, हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट की लिस्ट पर भी चर्चा इस बैठक के अंदर की गई है, लेकिन ये बैठक अभी समाप्त हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के हो रही बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की ये अहम बैठक थी, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई थी क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा लगातार हुई, और अब ये बैठक फिलहाल समाप्त हुई है जहां पर हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट की जो लिस्ट है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है कि ये डेलीगेट्स आखिर कौन होंगे, इनकी किस तरह से जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी, और इस पर जो लिस्ट है उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो हरियाणा कांग्रेस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी चंडीगढ़ के अंदर जहां पर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के या चुनाव को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी जो अभी समाप्त हुई है। बड़ी जानकारी है, पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, और हुड्डा के आवास पर ही ये बैठक हुई। इसमें हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट की जो लिस्ट है उसको लेकर के भी मंथन किया गया, और इसके अलावा इस बैठक के अंदर हाईकमान के पक्ष में सिंगल लाइन प्रस्ताव को भी पारित किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ साक्षी जुड़ रही हैं जानकारी के साथ। साक्षी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी हरियाणा कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले ये अपडेट करें साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चंडीगढ़ से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी कि पीसीसी में ये बैठक संपन्न हुई, और बैठक संपन्न होने के बाद अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से निकल चुके हैं और अब अपने आवास पर पहुंचेंगे और अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वो मीडिया को इस पूरे जो बैठक थी इसके संबंध में जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो 195 डेलीगेट्स का जो चयन किया गया था वो सभी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर आज 2 से 3 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। सबसे पहले प्रस्ताव में कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, हरियाणा ने उनके पक्ष में वोट किया है और चाहता है कि प्रदेश को देश को उनका नेतृत्व मिले, तो पहला प्रस्ताव तो इसे लेकर पारित किया गया है। जिस तरह अन्य प्रदेशों में भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दरमियान के लिए ही ये जो बैठक थी ये की कड़ी में आयोजित की गई थी, और हरियाणा में उन्हीं के पक्ष में जो फैसला है वो पारित किया गया है। दूसरा जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के लिए किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने अपना पदभार तो संभाल लिया था, लेकिन औपचारिक तौर पर उनकी जो आज ऑफिशियल ज्वाइनिंग जो हुई है वो आज हुई है। आज सभी जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने उनका चयन किया है और उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं हरियाणा की स्टेट बॉडी बनाए जाने को लेकर भी, जिसमें संगठन जो है जो पूरी तरह से अब तक नहीं बनाया उसे बनाए जाने को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये 3 प्रस्ताव जो है वो आज इस बैठक में खासतौर से किए गए हैं। इसकी और डिटेल जानकारी अब से कुछ देर में हमारे सामने आएगी जब इसके लिए तो इंतजार करेंगे, क्योंकि आप भी कह रही हैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो डिटेल वो खुद बताएंगे कि आखिर इस बैठक के अंदर क्या रहा। लेकिन 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही थी, एक तो ये कि हाईकमान के पक्ष में जो सिंगल लाइन प्रस्ताव था उसको पारित करना, और दूसरा ये है कि डेलीगेट की जो लिस्ट थी जिसमें 180 से ज्यादा नाम शामिल होने की बात थी इसको लेकर के क्या जानकारी है, क्या इन दोनों विषयों पर आप सहमति बनी इस बैठक के अंदर? देखिए डेलीगेट्स की लिस्ट जो है वो एक आपत्ति का विषय, विवाद का विषय शुरू से बना हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के जो दूसरे गुट के नेता हैं किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये तमाम नेताओं ने पहले ही आलाकमान को मधुसूदन मिस्त्री को इस बाबत आपत्ति जताई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक ही गुट को जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनके समर्थित नेताओं को ही लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, और इसी की वजह से यही वो मेन कारण रहा कि ये जो लिस्ट है ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई, ना मीडिया के साथ साझा की गई, ना अन्य किसी एमएलए को, नेताओं
को उनके पास ये लिस्ट भेजी गई, क्योंकि शायद ये लिस्ट अगर सामने आ जाती तो जिन लोगों के उसमें नाम है, जिन लोगों के उसमें नाम नहीं है, वो एक स्थिति जो है वो क्लियर हो जाती और कांग्रेस शायद इससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती कांग्रेस की। और यही वजह रही कि आज भी जो वो लिस्ट है ये जारी नहीं की गई है। सभी लोगों को जो लिस्ट में थे उन्हें इन्वाइट जरूर किया गया, लेकिन अब भी कुछ लोग संशय में है कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं विवादों से बचने के लिए या कोई नेता जो उनके हैं वो नाराज ना हो, उनकी नाराजगी से बचने के लिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया कि लिस्ट को जारी नहीं किया, लेकिन अपने जो डेलीगेट्स हैं उन्हें आज आमंत्रित किया था और उनकी मौजूदगी में ये जो प्रस्ताव है ये पारित कर दिया। हालांकि कई बड़े नेता जैसे कि किरण चौधरी की बात कर लें या हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल की बात कर लें, रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज की इस बैठक से दूरी बनाए रखी। लेकिन अभी अभी जानकारी मिली है कि कुमारी शैलजा भी जो है वो यहाँ पर इस मीटिंग में अपने कुछ देर पहले पहुंची है, लेकिन बैठक जो है उस समय तक शायद खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र केवल दर्ज करवाने के लिए वो यहाँ तक पहुंची है। तो इसे आप विरोध स्वरूप भी देखा जा सकता है कि वो मीटिंग के दरमियान 3 बजे का जो समय था वो तब नहीं पहुंची, लेकिन थोड़ा लेट जरूर पहुंची, तो वो पहुंची भी लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नेता जो है वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और अपनी। चलिए साक्षी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी। और अबसे कुछ देर के बाद जो जानकारी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो निगाहें इस पर भी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है।